अमित के नाम से जो बच्चा है आपको आ रही नहीं होगी? मैम ये भी नहीं आ रही। एक मिनट रुकना, भी आ जाएगी है ना, एक मिनट रुकना भी, मैं थोड़ा ना नेटवर्क चेंज कर। हाँ ये किसका आंसर आया? प्रीति के नाम से बच्चा है। वेरी गुड बेटा, इकलौते एक ही बच्चे का आंसर ठीक आया अभी, बहुत बढ़िया, वेल डन। बाकी किसी का फाइनल आंसर तक नहीं सही आ रहा था। ठीक है चलो, मैम तो सवाल सबसे बताओ। पहले मैंने, हाँ बेटा अभी रुक जाओ, मैं स्क्रीन दोबारा से मैं शेयर करती हूँ, मैम मैंने कर दिया, मेरा सही दिखाओ। देखना गलत। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है रुकना, अभी मैंने उसमें कर दिया। चैट सेक्शन में। नहीं, चैट सेक्शन में किया तब भी गलत है। मैम नो 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 नो, गलत। मैम इसको काटना है क्या क्या स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक इसमें? है इसने चलो, अब मैंने आपसे बोला कि इसको सरलीकरण करना है, तो सबसे पहले मुझे कैसे पता चला ये 2 से विभाजित होगा? मैंने 2 का विभाजकता नियम याद किया, वो कहता था कि अगर इन 5 में से कोई भी अंक इकाई वाली जगह पे आ जाए तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखो यहाँ ऊपर 4 है और यहाँ 2 है, तो 2 से ही भाग होगी, 2 से कर दो। कितनी बार जाएगा? 2 के पहाड़े में 13 नहीं आता लेकिन 12 तो आता है, 12 आता है, कितनी बार? 6 बार, 2 छक्के 12। अब यहाँ 13 था, 13 में से 12 जाएंगे, 1 बचेगा, वो जो 1 आया यहाँ 2 के साथ आ जाएगा, अभी 12 बन गया, फिर से 2 से काट दो, 2 छक्के 12। फिर ऊपर वाली संख्या सेम ऐसे ही काटो, 2 के पहाड़े में 12, 6 बार आता है। फिर आई 5 की बारी, 2 के पहाड़ में 5 तो आता नहीं है लेकिन 4 आता है, कितनी बार? 2 बार, 2 दूनी 4। अब 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा, 1 यहाँ 4 के साथ आ गया, 14 बन गया। अब 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार आता है? 7 बार। तो ये आया 627/67। ये तो पहला स्टेप था, यहाँ तक सभी को क्लियर है तो बताइए। यस हाँ मैम। कविता के नाम से बच्चे आपका भी ठीक हो गया, गुड बेटा। हाँ तो ये फर्स्ट स्टेप सभी का आ गया होगा। अगले स्टेप में मैंने सोचा ये संख्या 3 से कट सकती है, कैसे? यहाँ लास्ट में ना मुझे 7 दिखा, तो मैंने सोचा 3 के पहाड़े में लास्ट में 7 9 बार आता है, 3 9 27, तो हो सकता है 3 से कट जाए, तो मैंने 3 से ट्राई कर लिया। 3 के पहाड़ में 6 कितनी बार आता है? 2 बार, 3 दुनी 6, फिर 6 3 दुनी 6, सेम ऊपर भी काट दो, 3 के पहाड़ में 6 कितनी बार आता है? 2 बार, 3 दुनी 6। अब देखो बेटे यहाँ पे 2 संख्या आप साथ में ले रहे हो, 2 संख्या साथ में ले रही हो तो आपको 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि तो एक बारी में एक ही संख्या आप लेते हो ना, तो दो पहला संख्या ले स्टेप रहे हो। सीख। हाँ तो 2 3 9 27, 3 9 27। सेकेंड स्टेप भी हो गया, 209/22। पहला स्टेप सीखा। हाँ लास्ट स्टेप ये कटेगा 11 से, 11 के पहाड़े में 22, 2 बार, ऊपर वाली संख्या भी काट देखो, 11 के पहाड़े में 20 आता है, नहीं 22 आता है, तो 22 तो 20 से बड़ा हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा ना, 11 एकम 11, 20 में से 11 घटाओ 9 बचा, अब ये 9 इस 9 के साथ आ गया, 99 बन गया, कितनी बार आता है 11 के पहाड़े में? 99, 9 बार, 11 9 में 99, 19/2 इसका उत्तर है। क्लियर हो गया सभी को? पहला स्टेप सिखा दे। पहला वाला स्टेप दोबारा, लास्ट स्टेप सिखा। लास्ट पहला या लास्ट? यस शुरू स्टेप पहला। से समझा देती हूँ, चलो शुरू से समझा देती हूँ, ठीक है। पहले स्टेप में मैंने क्या किया, पहले स्टेप में चलो पहला ही बता देती हूँ, पहले स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने देखा ये संख्या किससे कटेगी, तो ये 2 से कट रही थी, ठीक है, तो सबसे पहले नीचे वाली संख्या को 2 से काटो, तो 2 के पहाड़े में 13 तो आता नहीं है, 13 नहीं आता लेकिन 12 आता है, कितनी बार? जितनी बार आता है वो संख्या नीचे लिखते हैं, हाँ 2 छक्के 12। अब 13 में से 12 घटा दो, 1 बचा ना, 1 आ जाएगा इस वाले 2 के साथ, अभी 12 हो गया पूरा, अब 2 के पहाड़े में 12 फिर से 6 बार आता है, 2 छक्के 12, ऊपर भी ऐसे ही करो, 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है? 6 बार, 2 छक्के 12। फिर 5 की बारी, अब 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता लेकिन 4 आता है, कितनी बार आता है? 2 बार, 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा, 1 आ गए यहाँ 4 के साथ, अभी बन गया 14।
दो के पहाड़े में 14 कितनी बार आता है, 7 बारी, 2 सत्ते 14, ये था पहला स्टेप। ठीक है, आखिरी स्टेप में मैंने इसे 11 से काटा है, 11 के पहाड़े में 22 दो बार आता है, लिख दिया। ऊपर वाली संख्या 11 के पहाड़े में 20 तो नहीं आता लेकिन 22 आता है, लेकिन 22 तो 20 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए मुझे 11 एकम 11 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 11 दूनी 22 नहीं जाएगा, इसलिए 11 एकम 11 लिया। 20 में से 11 घटाए, 9 आया। अब ये 9 यहाँ 9 के साथ आ जाएगा जो ऑलरेडी था, 9 और 9 ये 99 बन गए। कितनी बार आता है 11 के पहाड़े में 99? 9 बार, 11 9 में 99, इसलिए 19/2 इसका उत्तर है। अभी आ गया सभी को समझ? यस मैम, यस ठीक मैम। है, बढ़िया। देखो आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम के बाद हम करेंगे परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटा, इसलिए हम एलसीएम सीख रहे हैं क्योंकि हमें वहां एलसीएम करना पड़ता है क्वेश्चंस में, तो एलसीएम काफी बच्चों को आता ही होगा, तो ज्यादा टाइम इसमें लेते नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, 3, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे आप लोग। चलो पहले आप लोग निकालो, 3, 12 और 16 का एलसीएम निकालो और बताओ क्या आता है इसका आंसर। सबसे छोटी संख्या से शुरू करना जो डिवाइड होगी इससे। ठीक है, दीपांशु, गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड बेटा, ठीक है, हाँ, प्रीति के नाम से बच्चा है, करेक्ट है, सुनील के नाम से जो बच्चा है आपका भी करेक्ट है, बहुत बढ़िया, गुड, कविता के नाम से जो बच्चा है आपका भी करेक्ट है, एकदम वेरी गुड, सीमा के नाम से बच्चा, वेरी गुड, आपका भी करेक्ट है, बहुत बढ़िया। बढ़िया, काफी बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर आया, मैं 48 आया। 48 ही आएगा, बहुत बढ़िया। चलो मैंने बोला सबसे छोटी संख्या से शुरू करना है, देखो ये 3 से भी जा सकता था, 3 से काट सकते थे, पर 3 से छोटी संख्या 2 है जिससे कटेगा, तो इसलिए 2 से शुरू करें। सॉरी, 3 जाता नहीं है, 2 से ऐसे उतार दो, 2 के पहाड़े में 12, 6 बार, 2 के पहाड़े में 16, 8 बार, फिर 2 से 3 जाता नहीं है, 2 3 6, 2 6 8, फिर 2 से 2 2 9 4, फिर 2 से 2 1 2, अब 3 की बारी क्योंकि 3 ही बचा है, 3 1 3, लास्ट में 1 1 1 आ गया, तो एलसीएम कंप्लीट। अब गुणा कर दो, 2 2 9 4, 2 2 9 4, 3 ऐसा का ऐसा, 4 6 16, 3 16 3 48, ठीक है, सभी का यही आया, वेरी गुड, 48 इसका सही आंसर है। सभी हाँ को मैम, समझ मेरा में आ भी, गया क्या बेटा? हाँ मैम, मेरा भी यही आया। वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया, तो पोल में करें क्वेश्चन एलसीएम का। ठीक मैम है, मैम ठीक यस है, 18 और 54 का एलसीएम निकालो, 18 और 54 का, बिल्कुल ऐसे ही। अठारह और 54 का जी,
कॉपी मत दिखाना अभी, ठीक है? अभी लास्ट में जब पोल एंड कर दूंगी उसके बाद कॉपी देखूंगी। तो आराम से करना है इसको सॉल्व। दो बच्चों ने आंसर किया है और एक का गलत भी हो गया। जतिन, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूं, मैं अभी क्लास से रिमूव कर दूंगी अगर इस बार वीडियो ऑन हुआ तो। बेटा गलत कर रहे हैं बच्चे, दो सही दो गलत। हार्ड क्वेश्चन दे दिए क्या मैंने? यस मैम। हार्ड है? अच्छा नो मैम हार्ड। ठीक है। कोई बात नहीं, जितना आता है जो आंसर आ रहा है करो। मैम ये दो से ही जाएगा। ठीक हाँ पहले तो दो से ही जाएगा, करो। चैट सेक्शन ऑन कर। हाँ बस अभी चैट सेक्शन ऑन कर रही हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो बेटा। बताइए गया सभी बच्चों का आंसर? गुड। सभी का हो गया? काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं क्या? मैम कोई ऐसा बच्चा जिसका नहीं हुआ पोल में तो बता दो। हो गया। फाइव गया? ठीक है, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं। 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में। सुनील के नाम से बच्चा है, करेक्ट है आपका? ठीक है, करेक्ट है। जतन वीडियो ऑन करने से कुछ नहीं होता ना, आंसर गलत है आपका क्योंकि आप ध्यान ही नहीं दे रहे। वेरी गुड बेटा। देखिए सबसे पहले दो से ही जाएगा क्योंकि दो के पहाड़े में 18 आता है, 2 9 18। अब देखो दो को दो के पहाड़े में मतलब 2 से 54 भी कट जाएगा। कितनी बार अभी सिखाया जैसे सरलीकरण में, पहले 5 को लो, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता लेकिन 4 आता है। कितनी बार? 2 2 4, 5 में से 4 जाएंगे, 1 यहाँ आ जाएगा, 4 के साथ 2 7 14 क्योंकि अभी 14 बन गया। 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9, फिर 3 से। सभी को समझ में आया? वरुण के नाम से बच्चा बेटा, क्लियर हुआ? वरुण के नाम से जो बच्चा है, क्लियर है? हाँ यस मैम। ठीक है, बस अब आखिरी स्टेप आपको पता है, ये गुणा कर दो, यस मैम। 3 2 6, 3 3 9, 6 9 में 54, 20 का आंसर है। बेटा कोई भी संख्या हो ना, मेरे को कैसे पता था 2 से कटेगा? क्योंकि मैंने इसका इकाई अंक देखा, एक जगह 8 है एक जगह 4 है, तो ऐसी संख्या 2 से ही कटती है। दोबारा एक्सप्लेन करूं मैं अगर किसी को नहीं आया? बताइए। मैम आ गया मैम। एक और क्वेश्चन आ रहा है देखिए आप फोन में, सही करें? मैम ठीक है, गलत मत करना क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को यस मैम काफी बच्चों ने गलत कर दिया था।
24 और 32 का एलसीएम। सी मैम। नहीं बेटा, प्रिया के नाम से बच्चा। बेटा कितनी बार मैं आपसे बोलूं कि चैट सेक्शन ऑन होगा तभी चैट में लिखना है, थोड़ी देर वेट कर सकते हैं ना। यस मैम। बढ़िया, 8 बच्चों का आंसर आ चुका है। गुड, वेरी गुड। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। फिर से वही 5 बच्चों का गलत, मतलब एलसीएम तक में आप कैसे गड़बड़ कर रहे हैं बेटा। जतिन कॉपी दिखाना अपनी, जतिन कॉपी दिखाओ। सुनील के नाम से बच्चा, करेक्ट है आपका। जतिन कॉपी, अभी बहुत वीडियो ऑन हो रही थी ना बेटा, आपकी कॉपी दिखाओ। कर भी रहे हो कॉपी में कुछ नहीं, या है ही नहीं कॉपी। ऑप्शन नहीं लिखना, कॉपी दिखानी है जतिन। वेरी गुड, नितिन के नाम से बच्चा, वेरी गुड बेटा, करेक्ट है आपका। बढ़िया बढ़िया। क्लास में आके सिर्फ बैठना नहीं है, ठीक है। मुझे वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है जो बिना कॉपी पेन के बैठते हैं क्लास में, सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और उन बच्चों का मुझे नाम भी पता है जो ऐसा करते हैं, ठीक है। 32 फिर से 2 से काटो, 2 के पहाड़े में 3 आता है नहीं, लेकिन 2 आता है कितनी बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 आ जाएगा यहाँ 2 के साथ, ये 12 बन गया। 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, 6 बार। फिर 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 3 6, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 2 4, फिर 2 से 2 एकम 2, और फिर लास्ट में 3 से जाएगा। अगले स्टेप में गुणा कर दो, 2 दुनी 2 2 4, 2 2 4, 2 3 6, 4 चौके 16, 6 16 छक्के 96, 16 6 96, 96 इसका उत्तर है।
क्लियर। हाँ सी इसका करेक्ट आंसर है। पांच बच्चों ने गलत किया था बेटा, एलसीएम ही तो बेसिक है, पर एलसीएम ही नहीं करोगे तो फिर कैसे आगे क्वेश्चंस कर पाओगे। अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आता है एलसीएम, बता दो मुझे फिर से, है कोई ऐसा जिसे एलसीएम नहीं आता? आ गया, समझ में आ गया। ठीक है चलिए। एलसीएम हमने इसलिए सीखा ताकि हम जोड़ और घटा सीख सके परिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जिसे पी बट्टे क्यू के रूप में लिखते हैं, और जहां पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, और क्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं होता, क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या या रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं का योग देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल करा हुआ है पहले, ठीक है, दोबारा से सीख रहे हैं। 7 और 8/5 का योग करना है, ठीक है, जोड़ देखना है। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता था, याद करो, एलसीएम लेने का, इसलिए एलसीएम सीखा था। लेकिन यहाँ हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ एक है उसके साथ 5 है। तो जब भी आप ऐसी संख्या के एलसीएम ले जिसके साथ 1 आ रहा हो, 1 और 5 के एलसीएम 5 ही आएगा, तो कुछ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 5 आ जाएगा। ऊपर संख्या 7 है, लिख दो, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ, बीच में प्लस का निशान, फिर से ऊपर संख्या 8 है, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ। एक के पहाड़े में, अब नीचे से नीचे देखते हैं संख्या को, एक के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है? 5 बारी 1 पंजे 5। 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है? 1 बारी 5 एकम 5। लिख दिया, ये स्टेप सभी को क्लियर हुआ? ये जो 2 स्टेप मैंने करे यहाँ पे, सभी को समझ में आए? नो मैम, हाँ, तो कौन से स्टेप में नहीं आया मुझे ना पहली बता दिया करो, खत्म करने से पहले, कौन से स्टेप में नहीं आया बेटा? हाँ पूछो, माइक ऑन कर सकते हो आप। कौन से स्टेप में नहीं आया, कहाँ तक नहीं आया? तो पूछिए। हाँ बोलो बेटा, बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन से स्टेप में नहीं आया? मैम मैम हाँ एलसीएम आ लो। एलसीएम क्यों करवाऊँ मैं इसका? मैंने क्या बोला, 1 और 5 के एलसीएम 5 ही आएगा, साथ में 1 है ना, 1 और किसी भी संख्या के एलसीएम 1 5 ही वही संख्या आती है। 1 को 5 से गुणा करोगे 5 ही तो आएगा बेटा, इसलिए नहीं करवा रही हूँ मैं। क्यों एलसीएम करे जब वहां पे 1 है तो? आगे स्टेप समझ में आ गया? ठीक है, अब मल्टीप्लाई, यस 7 को 5 से गुणा करोगे 35, 8 को 1 से गुणा करोगे 8/5, 35 और 8 43/5 इसका उत्तर है। कॉपी में उतारो सभी से, पहली बात तो कॉपी में उतारिए सभी। वेरी गुड सुनील के नाम से बच्चे। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हैं, हद से ज्यादा बार। यस कविता के नाम से बच्चे, वेरी गुड, बहुत बार क्वेश्चन करे हुए हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। जतिन एक ही बार वाई टाइप करना है, कॉपी दिखाओ जरा, कहाँ पे लिख रहे हो जतिन? कॉपी दिखाना मुझे, वीडियो ऑन करके लिख रहे हो, कॉपी दिखाओ। वाई बहुत बड़ा टाइप किया है ना आपने, तो पक्का लिख रहे होगे, वो भी काफी अच्छा। दिलबाग के नाम से बच्चा, बेटा माइक म्यूट रखो, माइक ऑन हो रहा है आपका बार बार, माइक बंद रखिए अपना। हाँ सभी ने उतार लिया, सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन, अगला करें। लिख यस मैम, रही हूँ मैं, ठीक है, उतार रही हूँ मैं। गुड। अच्छा इस वाले को आप करो, 3/5 और 5/3 को जोड़ो, इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 5 और 3 का। कीजिए सभी इसको सॉल्व। सबसे पहले 5 और 3 का एलसीएम लो, फिर आगे का स्टेप वैसे ही है जैसे पहले करे थे, पहले वाले क्वेश्चन में।
सब मुझे कॉपी जरूर दिखाना, उसके बाद पोल में क्वेश्चंस करेंगे। प्रीति नाम से बच्चे बोल रही हूँ बेटा। दिलबाग के नाम से बच्चे, आपका माइक ऑन है बेटा, माइक बंद करो, आवाज आ रही है आपका, माइक बंद करिए। कॉपी दिखाओ बेटा, कॉपी दिखाएंगे सभी बच्चे। सुनील के नाम से बच्चा बेटा, पूरा क्वेश्चन दिखाओ। कविता के नाम से बच्चा, करेक्ट है, यस, हाँ ठीक है ठीक है। बाकी बच्चे भी दिखाइए कॉपी। गुड, सभी बच्चों की कॉपी देखनी मैंने। जतिन कॉपी दिखाओ, मैम जी दीपांशु, क्वेश्चन हाँ बेटा सही है, दे आप सही है। पीछा। सीमा के नाम से बच्चा है, करेक्ट है, गुड। गुड, हाँ कविता के नाम से बच्चे, करेक्ट है आंसर। देखो 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15, 3 से जाएगा पहले फिर 5 से, पांच नहीं है ऑफ पंद्रह। क्लास से 15 आ गया एलसीएम। ऊपर संख्या 3 उतार दो, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ, बीच में प्लस का निशान, ऊपर संख्या 5, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ। अब 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है? 3 बार ही, 5 तिया 15 लिख दिया। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है? 5 बड़ी, 3 पंजे 15। 3 को 3 से गुणा करोगे क्या आएगा? 9। 5 को 5 से गुणा करोगे क्या आएगा? 25/15। 25 और 9 को जोड़ो, 34/15 इसका उत्तर है। ठीक है, समझ में आया सभी को? बताइए यस बेटा, कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो अभी भी पूछ लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं पोल में दूंगी। करें अगला क्वेश्चन पोल में? ठीक, नौ और 8/7 का योग, 9 और 8/7। सभी बच्चे करिए, वही कोई जल्दीबाजी में नहीं करेगा इसको सॉल्व, आराम से सॉल्व करना। अभी आंसर किया ना पोल में, एकदम गलत, रॉन्ग। मैं बार बार बोल रही हूँ, जल्दीबाजी में आंसर मत करो, मत करो।
गुड, ठीक है, अभी सही जा रहा है, बढ़िया, आराम से करिए। तभी बोल रही हूँ बार बार कि बिल्कुल सोच समझ के करो क्वेश्चन। मैम कितने बच्चों का आ गया? गुड, मैम कितने बच्चों का आ गया? बेटा 8 बच्चों का आ गया आंसर। बेटा कॉपी नहीं दिखानी, अभी अभी नहीं दिखानी कॉपी, एंड में अभी कॉपी दिखा दोगे, बाकी बच्चे आंसर कॉपी कर लेंगे आपका। बेटा अभी करती चेक सेक्शन ऑन जाओ, 12 बच्चों वहां पर आ गए। पांच सेकेंड और आखिरी के, 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आ रहे हैं। मैम मेरा सही है? मैम आपका देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या बोला, जब भी बड़ा और कोई भी संख्या का एक से दूसरी संख्या ले आती है, 7 है और 1 है तो ऐसे 7 आएगा, ठीक है। फिर ऊपर वाले संख्या 9 भी बता दिया, गुणा लगाया बॉक्स में आया, पीछे प्लस का निशान, ऊपर वाले संख्या 8, गुणा लगाया बॉक्स में आया। 1 के 8 में 7 कितनी बार आता है? 7 बार, 1 गुणा 7 होता है 7, तो 7 बार आता है। किसी का मैम माइक स्क्रीन बंद, या दिख रही? मैम नहीं देखो, अबे आवाज कट कट के आ रही हूँ। अभी ठीक अभी बताओ, स्क्रीन आ रही है, आवाज आ रही है? मैम मैम अभी है। ठीक है, दोबारा समझाओ। मैम स्क्रीन ना यार, एक मिनट बेटा, दोबारा से शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, ठीक है? दोबारा बताओ, नजर आ रही है स्क्रीन? मैम ठीक मैम है, चलो दोबारा समझाते हैं, दोबारा समझा रही हूँ, मैम
बटे एक और 8 बटे 7 का आपको क्यूब करना है, मतलब 1 और 7 आए ना कभी भी, 1 के साथ कोई और संख्या वही संख्या में आ जाती है, 7 आए तो ऊपर नो संख्या 9 है, वाज 4 प्लस 8 नो बेटा कट करके आ रही है सभी को। मैम कट कर आवाज आ रही है। आवाज कट कट के आ रही है मैम आवाज नहीं आ रही। बताइए अभी ठीक है। नो मैम बताइए अभी ठीक है। ठीक है यस मैम यस चलो मैम करेंगे। अब एक के पहाड़े में 7 कितनी बार आता है बेटा? 7 बार। 7 के पहाड़े में 7 कितनी बार आता है? 1 बार। तो लिख दिया, 9 को 7 से गुणा किया 63, 8 को 1 से गुणा किया 8, मैम फिर से बताना कैसे करना है। 63 और 8 77, 75, 77 बटे 7 होता है ठीक है। एक अभी ठीक है, आवाज नहीं अभी भी नहीं आ रही है। आगे भी देखो मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। बताओ बेटा बाकी चैट सेक्शन में बताओ सभी को आवाज क्लियर है? अप मैम जी एक मिनट रुकिएगा बेटा, देखो किसी किसी बच्चे को आ रही किसी को नहीं आ रही, ये कर करके आ गए। अभी आ रही है बेटा, अभी आ रही है आवाज? अभी नहीं आ रही है। आपको आ रही चाहिए मेरे ख्याल से, आ रही है ठीक है ओके। चलो एक बार क्वेश्चन आते हैं बोल में ठीक है, यस मैम एक और क्वेश्चन। 5 बटे 9 और 7 बटे 8 का योग कर, 5 बाय 9 बाय 7 बाय 8 जी। आराम से सबसे पहले और आउट करते हैं अपने, बताइए बेटा
कॉपी कोई नहीं दिखाया मुझे। हाँ मैम हो क्लास गया। तो हाँ बेटा ठीक है, आपका आंसर आ गया, अभी काफी अच्छे रहते हैं। हाँ दो ठीक है बेटा, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट बेटा अपना दिखाओ, भी कॉपी मत दिखाओ, मुझे आराम से बच्चे। हाँ आखिर के 5 सेकंड और, 5 सेकंड का समय आपके पास। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में बताएं सर। ठीक है बेटा, सुनीता नाम से हो जाए दोगे, एक दूसरे नाम से कॉपी करके। कॉपी कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो एक बेटा कोई प्रॉब्लम है। अच्छा दो से जाएगा, एक से ले जाए, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, फिर 3 से, 3 3 9, 3 से, 3 एकम 3, थोड़ा कर दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 6 4 जाओ, 24, 3, 24 और 3 का एलसीएम आएगा 72, 24 और 3 का एलसीएम आएगा 72। ठीक है सर, आप कर दियो, मैंने आपको समझाने के लिए करा था। 24 और, सॉरी 9 और 8 का एलसीएम आएगा 72, दिया ऊपर संख्या है 5, काट दिया ना लगाया, बॉक्स बनाया, नीचे प्लस का निशान, ऊपर संख्या है 7, थोड़ा लगा दो बॉक्स बनाया। 9 के पहाड़े 72 कितनी बार आता है? 8 बार। 9 के 72, 8 के पहाड़े 72 कितनी बार आता है? 9 बार, 8 9 72, 5 8 40, 7 9 63 72, 63 और 40 103 72, 20 का करेक्ट आंसर है। देखो ये सबने डी लिखा है, क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन गलत भी किया है, तो 4 बच्चे का सबने डी लिख दिया, सबका आंसर सही नहीं है ना। ठीक है चलिए बेटा, एक लास्ट तरीके का क्वेश्चन इसमें बचा है, परिमेय संख्या -3 तो हो सकती है, होती है, हो सकती है, होती है, अगर हम 3 और माइनस के 7/3 का योग करना है तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? देखो आपको पता है पूर्णांकों में हमें पता है दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आते, दो चिन्ह में एक नहीं प्लस एक माइनस का, तो प्लस का माइनस की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, माइनस। इतना पहला स्टेप है, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह साथ में है, आपको पता है दो चिन्ह कभी साथ में आते, गुणा करके
आएगी क्योंकि ब्रैकेट है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आएगा। पहला स्टेप सभी को समझ में आ गया? किसी को भी नहीं आ रही बेटा आवाज? आवाज कट कट के आ रही है, कटी भी नहीं आ रही। आवाज ओके एक मिनट बेटा। कट कट के आ रही है मैम। हाँ मैम, कट कट के आ रही है मैम आवाज। अब बताओ अभी आवाज आ रही मेरी? नो मैम, नो नो मैम, मैम, नो नो मैम, बिल्कुल भी नहीं मैम। आई। मैम आवाज नहीं आ रही। ठीक है बेटे, काम करते हैं ना, स्टाफ को डिपेंड करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है किसी को आवाज। ठीक आवाज नहीं है आ बेटे, रही। स्टाफ को डिपेंड कर देते हैं। ठीक है, अगली क्लास ट्यूसडे को करेगी, तब हम आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेयर जब सकते हैं हम लोग। पर कल